लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? आपके शरीर के अंदर खून है, ब्लड है, रक्त है, ये तीनों एक ही है, ब्लड, खून, रक्त, ये सब एक ही है। कोई ऐसा भी यहाँ बैठा है जिसके शरीर में ब्लड नहीं है? भैया सबके शरीर में ब्लड है, चेक कर लो। चेक कर लिया? कैसे चेक कर लिया? ऐसे चेक कर जाएगा? देखो सबके शरीर में ब्लड है, ठीक है। ये लाल रुधिर कणिकाएं, जो लाल रुधिर कणिकाएं हमारे ब्लड में होती हैं, रक्त में होती हैं, वैसे ब्लड में तीन होते हैं। जो ब्लड हमारा ब्लड संयोजी ऊतक है, इसमें लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रुधिर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी से शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण कहां होता है? अगर आपसे कोई पूछे, चलो खून है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बताओ इस खून का निर्माण, ब्लड का निर्माण, ब्लड में जो आरबीसी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इसका निर्माण कहां होता है बताओ? तो बताओ वो कि डर जाओगे, अस्थि मज्जा में। कहां होता है? एक बार यहां देख लो, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। देख लिया यहां पे? आइए अब हमारी सुनिए, इसकी तो देख लिया, अब हमारी सुनिए भैया। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, किसका निर्माण? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अब एक बार इसे मिला के पढ़ दो सारे, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता। अब मैं सुना दूं एक बार, क्योंकि मैं मामी करने में कोई ऐसा भी होगा जो चुप बैठा है कि नहीं तो मैं बता दूं, वो भी सुन ले भैया। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण, किसका निर्माण? अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में बोन मैरो में होता है। अब हम पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है।